Hey guys, welcome to Health by Kilo। आज हमारे साथ है अंगद एंड मैं कुछ नया लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। अंगद भाटिया भाई, ये भाई साहब इंस्टाग्राम पे मीम पेज चलाते हैं जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। मेरे से ज्यादा ही इज ऑल इनटू ह्यूमन एंड ऑल ऑफ दैट, तो आपको बहुत मजा आएगा देखने में। वैसे मेरे को स्टार्ट करना अभी तक आया नहीं है ऐसी चीजें, सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफी लोगों ने मेरे को भेजे हैं अंगद ये मीम्स बहुत सारे, तो पहले कौन सा देखना चाहोगे आप? ये देख के मेरे को डर लग जाता है, पता है, ये बंदे की शक्ल देख के ना। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल द वैरायटी ऑफ मीम्स आई एम सीइंग हियर इज अमेजिंग, मतलब जस्ट टू लाइक सी कि लोगों को फिटनेस पे कितना ह्यूमर चलता है सब। वाओ यार, है ना? टू गुड। चलो अब ये बताओ पहले कौन सा देखना चाहोगे? ये देखो आपका भी आया हुआ है, आपका भी दिख रहा है मेरे को। पहले ना मेरे को दो लोग अलग से दिख रहा है, तो मैं इनको देखना चाहूंगा कि ये क्या अपलोड किया है ये भाई ने मेरे। पासपोर्ट से फोटो डाली। भाई आहान कह रहा है मीम छोड़ो, मेरे को देखो, मेरे को रिव्यू करो। अच्छे लग रहे हो, कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है आपका, सही में भाई। रुको, और ये भी पासपोर्ट साइज फोटो है ना, अब हमें भी ऐसा देखना पड़ेगा। सीरियस लग रहा है यार भाई, मतलब ये फोटो आपको ना वो रिसेप्शनिस्ट से लगता है। कौन सा जिम में जो होता है रिसेप्शनिस्ट होता है ना, जो कहता है कि एक मेंबरशिप ही बना। अबे अच्छा जिम में। हां ओ भाई वो होता नहीं कि मेंबरशिप ना कुछ नहीं करोगे आप, आपको मस्ता मिलेगा ना, अंदर ही जा सकते हो आप मेंबरशिप। फ्रॉम द टॉप से ये फ्रॉम द टॉप ही शुरू करेंगे। चलो होपफुली इसमें गाना नहीं होगा, कुछ नहीं भाई। अच्छा ये देसी जिम मीम्स करके पेज है, काफी सारे मीम्स यहाँ पे आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो उनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहीं से काफी सारे मीम्स आए भी हैं आई थिंक, क्योंकि वो फिटनेस के मीम्स डालते हैं। तो अपना पहला देखते हैं कि स्कूल की दोस्ती 10th क्लास। कुछ नहीं भाई, कोच ने बोला है टू फॉर्म अ गुड रिलेशनशिप विद फूड, बस वही कर रहा हूं। ऑफिस नहीं 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 भाई नहीं 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 नहीं। अबे लिप्स क्या लिख कर रहा है भाई, इसकी शक्ल देखो एक बार भाई। 30 फरवरी तक कभी 30 फरवरी आएगा, हमारी और आपकी दोस्ती कभी। आई हाय यार चल क्या रहा है भाई। ये मैसेज उन दोस्तों को भेजना दोस्तों जिनका साथ पूरी जिंदगी क्यों कर रहा है भाई। ये मैंने ये मीम ना एक्चुअली ओ जी यार भाई छी यार उसके मुंह में आ गया भाई। कितने लोग ये और नहीं देखा। थैंक गॉड खत्म हो गया भाई, थैंक गॉड खत्म हो गया भाई। आई हाय क्या दैट्स व्हाट शी सेड यार, ये हम बोल नहीं सकते। नो वैसे इट टेक्स अबाउट 23000 ऑफ स्लैप्स टू रोस्ट अ चिकन, पता है? ये आपको क्यों पता है? ये इतना रैंडम फैक्ट आपको क्यों पता है? पर इससे ज़्यादा पता है फैक्ट क्या है? नहीं मुझसे किसी ने पूछा नहीं इसके बारे में वही। मेरे को अभी भी जानना है आपको पता क्यों है, आपने ट्राई किया है? इसका मैं करूं क्या? ये आयुष्मान आपने क्या डाला है? गलत टेम्पलेट मैं दूंगा, मीम आप बना लो। ओ नहीं ओ नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सीरियस केस ऑफ फोटोशॉप है। ओ भाई मैंने अभी देखा है ये, उसका हाथ देखो एक बार। फोटोशॉप हाँ, वो देखो यार फोटोशॉप लग रहा था। भाई ने अपने आर्म्स बड़े करने के लिए ऐसा फोटोशॉप किया है। मुझे इसको देखना ही नहीं है, मुझे शक्ल नहीं देखनी है। छी यार बद्दा रैस दो क्या? नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। इफ सेइंग पुसी एवरी टाइम समवन टचेस स्क्वाट पैड वाज एन ओलंपिक स्पोर्ट। I love this भाई ये बहुत कॉमन है। एक तो ग्लव्स और एक ये स्क्वाट पैड। काफी लोग जिम में इसको एक्चुअली इसका नाम पुसी पैड भी रखा हुआ है, बिकॉज ये बोला जाता है कि गर्ल्स यूज दिस एंड गाइस जो यूज करते हैं वो दे आर नॉट गाइस, दैट्स व्हाट द सेइंग गोज। ये तो कुछ भी नहीं है भाई, अभी आपने पुसी बोला ठीक है, अभी 2-3 लड़के आएंगे रोते हुए, बट पुसी इज स्ट्रॉन्गर देन यू, योर मॉम हैज पुसी, यू केम आउट ऑफ दैट सो दैट इज स्ट्रॉन्गर देन यू। अब ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। अच्छा wonder if he's thinking of me, if I don't live this I'm gay and my whole family. भाई ये I think सब लड़के करते हैं ये मोटिवेशन नहीं मिलती ना, अंदर से मोटिवेशन बनानी पड़ती है, लाइक उठाऊंगा वरना दुनिया खत्म। सही में ये मैंने भी किया है, ये I think सब लड़के करते हैं। और ये सिर्फ जिम में नहीं है, ये बाहर भी है। अगर आप कुछ कर रहे हो जैसे कुछ लिख रहे हो तो आपका ना मन कर रहा है कि भाई टीवी देख लो, आपको कहते हो भाई अगर मैंने ये नहीं लिखा तो ऐसा हो जाएगा, और फिर आप कहते हो नहीं नहीं ये नहीं होने देना जल्दी जल्दी। ये समझ नहीं आ रहा कि ये भाई अपने को गे बोल के क्या मोटिवेशन कर रहे हैं। मैंने कहा ये नहीं उठाया तो मैं गे हूं, जब कोई जान के नहीं उठाएगा जान के नहीं उठाएगा यार मैं गई। सुनो चाहे बाहर के, चाहे मेरे मां-बाप पैसा चोरी लेकिन मुझे अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है, चाहे मेरे माँ बाप की ऐसी की तैसी हो जाए, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिशों को पूरी करके रहूँ, चाहे मेरे माँ बाप की ऐसी की तैसी हो जाए। आप तो देखा है, मैंने बताया बिग न्यूट्रिशन के उसके मसल ब्लेज के ओनर पे, हाँ, कि इसकी वीडियो 3 मिनट लिखा था मसल ब्लेज का ओनर, फिर उसके नीचे था कुछ काम नहीं, सुबह उठता हूँ, फ्री का चाय पीता हूँ, फ्री के घर से खाता हूँ, माँ बाप की गालियाँ सुनता हूँ, दोपहर को रील्स बनाता हूँ, शाम को उनकी फ्री चाय पी के खाना करके सो जाता हूँ। ये मसल ब्लेज का नहीं है, ये दूसरी वाली का है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। लो बिग मसल क्या लोगों को लगता है कि मैं लेग्स नहीं मारता हूँ, मेरे ऊपर रोस्ट बनाते रहते हैं। जब भी कमेंट्स खोलता हूँ तो एक ही बात लिखी रहती है, लेग्स नहीं है, लेग्स नहीं है, लेग्स नहीं है। और गाइस यश भाई को देखो, बहुत बोलते हो, यश भाई कुछ बोलते नहीं है, बस चूतियों की तरह हंसते रहते हैं। यश भाई बोलते नहीं है, बोलो लेट्स गो, होल्ड अप, लेट्स गो। अबे यार अब टांग देख लेते हैं, तो यश भाई टांग दिखाओ। अबे ये, इसकी बात कर रहा था मैं, ये प्रॉब्लम तरुण गिल को ना एक प्रॉब्लम है, वो बहुत तेज ब्रीथ करता है, बहुत तेज, लाइक यू कैन सी। मैंने बनाया तो मैंने जो वीडियो आपने कहा सॉरी डाल दिया, हां, तो मैंने 3-4 रीजन बताए थे कि क्यों उनको ये हैवी ब्रीथिंग होती है, बट तरुण गिल ने आके वीडियो में बोल दिया कि नहीं मैं एक्सरसाइज करता हूँ और एक्सरसाइज के बीच में बात करता हूँ, इसलिए मेरे को इतनी हैवी ब्रीथिंग होती है। मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई हेल्थ इश्यूज हैं, वो बस बता नहीं रहे हैं। ओह माय गॉड, ये लो यस भाई लो। एंड में क्या हुआ है भाई, एंड में क्या किया है? एंड में मैं बताता हूं, एंड में इंस्टाग्राम खत्म हो गया, यूट्यूब शुरू हो गया। हैंगिंग फॉर इंक्रीजिंग हाइट। ओ यार भाई, यार ओ भाई, नहीं भाई, सबसे पहले तो मेरा फेवरेट अलग अलग पे है, मतलब वो सब पूरी फैमिली को लटका दिया। सबसे पहले तो पता है फैमिली की भी फोटो है इसके बाद, सही में दिखाओ। ओ भाई चलो आज सब ग्रुप फोटो, आज सब ग्रुप। यार नहीं भाई, इस पे हंसना नहीं है भाई। इसमें बहुत से आता है अनुप सोनी का, इन सबको क्या पता था कि आखिरी बार हंस रहे होंगे। ओ भाई हाउस ऑफ सीक्रेट्स देखो, नेटफ्लिक्स पे समझ आएगा आपको किसकी बात कर रहे हैं। इसका एक ही अल्टीमेट इलाज है जो कि है सर्जरी, सो यू हैव टू गो फॉर सर्जरी। गायनो को पता है ना क्या होता है? हाँ, सो व्हेन एनाबॉलिक्स यूज करते हो या कभी-कभी हार्मोनल इंबैलेंस होता है, तो गायनो इज लाइक अ लंप इन योर निपल, वो दिख जाता है। अगर ज्यादा हो जाता है यू हैव टू गो फॉर सर्जरी, उसको मेडिसिन ठीक नहीं कर सकती उसके बाद, एक पॉइंट के बाद। सो यही ये सब बोल रहे हैं। हैं? भाई ओ भाई ये क्या कर रहे हैं? नहीं भाई नहीं, अबे को पता है कभी कभी ऐसे भी पॉइंट आते हैं जो मेल्स लैक्टेट करने लगते हैं गायनों के बाद, सही में? हाँ भाई, जब उनका प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, सो दे डेवलप मेमोरी ग्लैंड्स, उसमें से एक्चुअली मिल्क निकलता है अंदर से। Is it like kind of like breast milk or is it different? Yeah, breast milk. तो ये माँ का दूध पिया तो लड़ मुझसे, नहीं मैंने बाप का दूध पिया है। दोस्तों पहली इमेज क्या है कि बाप का दूध पिया है, कहाँ से? अरे यार नहीं भाई नहीं। After watching तरुण गिल रोहित कभी-कभी लगता है अपुन अरे भाई। Well, that's why you subscribe to Health by Kilo. Hey, I love it. Subscribe now. Health by Kilo, बिरयानी by Kilo. कुछ तो गड़बड़ा दिया। इतने लोगों ने मेरे को इसके बारे में टैग किया है भाई, कोलैब के लिए मैंने इतनी बार इनको मैसेज किया है, मैंने इनको लिटरली स्टोरीज में टैग किया है। पता है लोग जब रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, लोग घर में ऑर्डर कर रहे हैं बिरयानी बाय किलो या उसके पास जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, तो मेरे को ना मैसेज कर रहे हैं कि टैग कर रहे हैं मेरे को अपनी स्टोरी में, ये देखो बिरयानी बाय किलो भाई ये आपका है क्या? मैंने कहा भाई काश मेरे पास आपके लिए डेयर है, पब्लिक डेयर, सबके सामने बोल रहा हूँ। नेक्स्ट आपकी इंस्टाग्राम वीडियो के लिए आपको एक बिरयानी बाय किलो की ब्रांच पे जाना है, आपको वहां जाके बोलना करेंसी तो स्टोर मैनेजर और उससे बात करो हेल्थ के लोगों को कोलैब के लिए। हाँ कि लाइक कोलैब चाहिए मुझे। गुड आइडिया। आर्ट ऑफ वेडिंग आलू टिक्की एंड योर ट्रेनर वॉक बाय सबको किसी दे बैकग्राउंड में बार बार ठीक है वो उसी की वो भाई पता है कितना पुराना है ये फोटो भाई 2019 की है शायद ये। ओ भाई मैं शायद समझ सकता हूँ किसने बनाया है। गेस लगा चलो अगर वो गेस सही निकला तो कमेंट में पता चलेगा। मैं चुबूस किचन। ओ गुड दैट्स अ वेरी गुड शॉट दैट्स अ ग्रेट शॉट। ओ ये मेरा चलो चलो आपका है। आई वांट टू सी योर रिएक्शन ऑन दिस। ओके हां आई वांट टू सी योर रिएक्शन ऑन दिस। अरे हाय यार भाई इतना गीला क्यों था ये। हाय हाय यार जब मैं मायामी में था 2017 में हम ना एक जिम में जाते थे क्या नाम था यूफिट क्लब्स करके था। तो वहां पे मैं था मेरा एक फ्रेंड था आदित्य। हम हर रोज ऑलमोस्ट रात को जिम जाते थे साथ में। तो भाई जिम में गए वहां पे एक बंदा एब्स कर रहा है। हमने कहा हम भी एब्स कर लेते हैं। बेचारा क्रंचेस कर रहा है और करते करते ना एकदम आवाज आई। मैंने कहा एक सेकंड ये क्या हुआ क्या है ये। भाई मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ एम्बैरस ना हो। कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं हम दोनों पागलों की तरह हंसे हैं। वहां बेचारा वहां से चला गया। मेरे को इतना बुरा लगा उसके बाद। वो तो ठीक है पर आपसे पूछा किसने। हंसते चेहरे में मतलब ही नहीं होता कि नौकरी को तकलीफ नहीं होगी। ये कबीर भाई के नाटी और नॉट का कुछ करना पड़ेगा। गांधी जी छोटा भीम पॉपर। ओ भाई आपने इन तीनों के वीडियोस देखे हैं। हाँ मुझे छोटे में मतलब बेस्ट लगा यार। थैंक यू। एक्चुअली मुझे गांधी जी का याद है। गांधी जी का जब आप कहा था ना कि ऑब्वियसली गांधी जी बहुत कार्डियो करते थे उसको सॉल्ट मार्च लगे। सॉल्ट मार्च ओ भाई नहीं पर अच्छा बनाया। थैंक यू साहिल अच्छा मीम था ये। हां नहीं सीधा कर नीचे कर अच्छा राइट कर लेफ्ट होने में चल क्या रहा था इसमें भाई। भाई मैं बता रहा हूँ पूरी सुपर से अलग लेवल पे है। मुझे थोड़ी सी बीटी हो गई है देख के अभी। रुक ही नहीं रहा है बंदा। डैड्स के साथ ऐसा होता है जब आप पहली बार चलाते हो ना। थैंकफुली मेरे डैड के साथ नहीं था। कॉन्फिडेंस था उनको मेरे में वो अच्छा यार बट सबका नहीं होता लक्ष्मण। अरे भाई ने एक रेलेवेंट सी बात पर डिबेट करने के लिए क्या बात करने के लिए पूरी फिटनेस इंडस्ट्री को चैलेंज कर दिया है। भाई ये इंस्टाग्राम पे ऐसे बेवकूफ लोग आ गए आजकल। इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री को कुछ कह रहा होता लाइक इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री चैलेंज यू तो फिर भी समझ आता हाँ खुद इंडियन होगा। हाँ। पूरी फिटनेस इंडस्ट्री को चैलेंज किया ना सब टर्न बाय टर्न करके इसका करेंगे। करियर खत्म। करियर शुरू तो होने दो पहले खत्म क्या होगा। ओ भाई साहब शॉर्ट्स रहे यहाँ पे। कबीर सर टू सो कॉल्ड नैटी फॉर लैब टेस्ट। आपको पता है किसकी बात हो रही है शायद यहाँ। ये भाई के इतने मेरे पास तू रोकेगा चल जा रोक ले बेटा जा 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 रोक ले। ओ भाई चलो दिखाओ भाई ये मीम अच्छी बात है लास्ट के लिए रखा है भाई ये बेस्ट होने वाला है। ये मैंने देखा है ये मैंने देसी जिम मीम्स के पेज पे ही देखा है। तो रुको प्ले करता हूँ। अच्छा शक्ल देखो भाई उसकी मतलब शक्ल पे हवा से राइट वाले बंदे बैक क्यों बाइट कर रहा है। मीम होता है ये बंदा नेक बैठे हो गया था। मीम वो क्या होता है पूरे मजे लेके जाऊंगा भाई यार क्या देख लिया ही मैंने। अबे यार जी यार क्या देखा है। ब्रावो ब्रावो इतना थैंकफुल हूं मैं ये लास्ट में देखा मेरे को क्योंकि ये बेस्ट है भाई। ये किसने अपलोड किया ये। एक्चुअली अभी आप क्या करो सारे मीम सेलेक्ट करके एक मीम सेलेक्ट करो आप विच यू थिंक इज द फनीएस्ट और उस बंदे को शाउट आउट दो। भाई ये बेस्ट है भाई ये बेस्ट है। तो जिसने मुझे ये भेजा है कमेंट करके नीचे बताओ मेरे को। तो आप कमेंट मैं पिन कर दूंगा बिकॉज आप नेक्स्ट लेवल मीम। तो यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच आप आए, आपने टाइम निकाला। और अरे यार थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग यार, ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच। ये फिर से करते हैं बहुत जल्दी और अगली बार और लोगों को लेके आएंगे एंड और मीम्स लेके आएंगे एंड होपफुली अगली बार और लोग जो है हमारे जो लोग देख रहे हैं अभी वो लोग और ज्यादा मीम्स डालेंगे। आई थिंक इस बार लोगों को पता नहीं था किस लिए मैं मीम्स मांग रहा हूँ, बट अब वीडियो देखने के बाद उनको समझ आ गया। तो थैंक यू अंगद, फिर से आपको मैं जल्दी मिलता हूँ। सब्सक्राइब कर दो जल्दी से और लाइक फॉर पॉडकास्ट। प्लीज सेव यू गाइस, लव यू ऑल। ए थैंक यू।